पाई मॉम और मैं यहाँ पर बैठे हैं 6 बजे से, 1 घंटा हो गया हमें, है ना। हाँ। 1 घंटे हम लोगों ने बहुत गपशप कर ली है, अब हम वॉक कर घूमने जाएंगे। अब हम पाई के साथ जाएगा, ये जा पापा के साथ जा घूमने, जा मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी नहीं घूमने, मैं नहीं जाऊंगी घूमने, तो मैं मैं जाऊंगी घूमने। चल शीरो आ जा, हाँ मैं जा रहा हूँ, तू घूमने, ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ घूमने, चलो देख बोला मुँह से बोलता है, चलो भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है चलो शीरो आ जाओ, जाओ शीरो शीरो आ जाओ, ऐसे जाएगा नहीं शीरो, जा आ जाओ, आओ ठीक है, नहीं आपके साथ नहीं जाएगा, देख तो आ जाएगा, जल्दी आओ, जल्दी बुलाने जाएगा, चलो 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 चलो, हाँ हाँ चल रही हूँ, हाँ चल तो रही हूँ, चल तो रही हूँ, पकड़ लेते हैं, आप पकड़ लिया, ऐसे ले जाता हूँ, चलो। कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, बहुत अच्छा वेदर है, आसमान पूरे बादलों से छाया हुआ है, और ये आ गया है मेरे पास। मॉर्निंग टू एवरीवन, लगता है आज बहुत तेज बारिश हुई है और अभी भी मौसम ऐसा ही हो रहा है। बैक टू बैक मेरा 14 दिन है आज सुबह सुबह मेडिटेशन करते हुए, और सुबह की जो मेरी प्रेयर है आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप सूर्य देव को देखो ना सुबह सुबह, तो आप ये प्रेयर कहना और आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। तो सूर्य देव की प्रेयर है, ओम जपा कुसुम सन काश्यम काश्यपेयम महादुत्यम तमो रिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्ति दिवाकरम। मतलब हम उनसे प्रे कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में जितनी नेगेटिविटी है, जितना अंधेरापन है, सबको हटाओ, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज अपनी किरणों से हमारी लाइफ में हर तरफ उजाला कर दो, और उनको हम हेल कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते, तेरी वापसी होगी ब्लॉग की। नमस्ते 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 भाई, आज हमारी मम्मी बहुत दिन बाद, बिल्कुल इनका ये सुबह सुबह पता चल जाए कि आज ये ठीक रहेंगे या नहीं। दुग्गल साहब आज क्या बने हो, आज क्या बने हो, आज हम भी खुश हैं। कौन सी मूवी थी वो, मुझसे शादी करोगी, उसमें दुग्गल साहब थे, वो किस दिन कुछ बन जाते किसी दिन कुछ, ऐसे ही है हमारे घर के दुग्गल साहब। दुग्गल साहब आज क्या हो ये तो बता दो, और आज क्या हो, अरे क्या हो रहा है बता ना, शॉपिंग कर रही है तो अलग से कुछ। अच्छा आज देख, आज देख कैसे बाहर बारिश पड़ रही है, हल्का हल्का झरना पड़ रहा है, कितना सुंदर मौसम हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं नीतू के पास, क्योंकि नीतू गई हुई है, उसका डांस प्रैक्टिस थी, और हम लोगों का एक एक्चुअली ट्रिप प्लान हो रहा है जो कि हम लोग कल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कि कल हम लोग यहाँ से निकल जाए। तो हमें एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत थी, इसीलिए हमने देखो किसको बुलाया, कितनी बड़ी एक्सपर्ट आई है हमें एडवाइस देने। मस्त जोक मारा, लेकिन इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मतलब इसको हमने बताया कि हम कहाँ का प्लान कर रहे हैं, इसने इतने सारे ऑप्शंस बता दिए। हम अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं, और मैं दीदी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये भी हमारे साथ चले, मैंने तो चलना चाहिए, बहुत मजा आएगा हमारे साथ, पता है। ऑलरेडी जा रही हूँ। तू तो जा रही बाद में ना, अभी हमारे साथ चल ले पहले एक बार, तुझे मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। तेरी लाइफ कैसी हो जाएगी सोच, एक बार हमारे साथ जा रही है, फिर आती फिर कहीं और जा रही है अपने साथ, अपने आप ही जाते ना फिर तो तू। लेकिन एक बात है, इसने एक बार मेरे से नहीं पूछा कि मैं इसके साथ चलूंगा, नहीं हम नहीं चाहते, हमारी गर्ल्स ट्रिप है और हम इसे लेकर नहीं जा रहे हैं। और सुबह सुबह हनुमान चालीसा यहाँ पे चलती रहती है ताकि घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, लेकिन ये सड़ियल टाइम से नाती वाती नहीं है। ये रही मेरी नितारा, भगवान सबको आशीर्वाद देना, नितारा सबको एक बार आशीर्वाद दे दो भाई भगवान से लेकर। अपना ब्रेकफास्ट आज का ये है चीला विद विद क्या बोलते हैं इसको, हरी चटनी, किसकी बनती है, मिंट शायद से। क्या हुआ, अरे गिरा रही सीढ़ियों पे ही, अरे तो क्यों नहीं, तो बच्चे पागल भाग गई, क्या हो जाता अभी, मुंह कैसे लगता है तो बता दे। हाँ तो मंगा लो ऑरेंज, बाहर निकलो आप, तैयार हो जाए तैयार, यार नीतू डर के छुप गई, ये रही यहाँ तू ऐसे पकड़ के चल रही है, इसमें यही तो बुद्धि नहीं है, तुमने मुझे नहीं आया, झूठ बोल रहे हो, मैं आपको धक्का क्यों दूंगी, मैंने तो पागल पागल, अरे कहना क्या चाहते हो, किसी को या तो कुछ भी समझ नहीं आया,
मैं बताती हूँ, मैंने सिर्फ सोनी दीदी को टच किया, सोनी दीदी बच्चों की तरह भागने लगी, भागने लगी। आपको भागने के लिए किसने बोला? जा तू जैसे लग बैठ पागल। कहाँ लगी अभी? घुटनों में, इसका दिमाग भी घुटनों में, वहीं लग गई सिर में चोट। अब सीटी स्कैन कराऊंगा इसका आज मैं। क्या हो गया गाइस? थोड़ी देर जब दीदी जैसे गिरी ना, दीदी को समझ नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है एक्चुअली, और मेरे आंखों में से पानी निकल रहा है हंसी से, मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मैंने सोचा टच जैसा होता नहीं था, हम खेलते थे टच करके, कोई भाग रहा है दूसरे को टच कर रहा है, तो हम वो मुझे ऐसा लगा वो हम खेल रहे थे। बैठ जा शांति से। तो यश के रूम में मैं आ गया हूँ, और यहाँ से मुझे साबुन लेना है क्योंकि जो मैं लगाता हूँ वो खत्म हो गया है, इसके बाद जरूर रखा होगा। रिकी कहाँ रखा है यार? देखो पैसे कहाँ रखे हुए उस गधे ने, नहीं है ड्रॉर में। तो यहाँ पर रखे साबुन, और ये है एक तो है रोज वाला, लेकिन मैं ये नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ खस, इसकी इतनी प्यारी फ्रेगनेंस है। और ये वहाँ से चिल रहा है कि एक ही लेकर जीव, जैसे कि मैं 6-7 साबुन से एक साथ नहाऊंगा, मेरा ये साबुन चल जाएगा कम से कम 15-20 दिन, नहाता तो मैं कम ही हूँ। शाबाश बेटा। क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ मम्मी, अभी आपको पता चला इसने क्या करा? दीदी गिरा दी सीढ़ियों से। माहौल बना दिया पहले इसने। मम्मी आज आप जा रही हो? कहाँ पे? दिल्ली? कब तक आओगी? शाम तक। चलो ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं आपके? नहीं तेजी से भाई, बम्बू वाले चैनल पे आप लोगों ने बड़े तेजी से 15,000 कर दिए। भम्मू की या तो मुझे बता के बनाया, वो भम्मू की दुनिया चैनल है, जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और इनके वीडियोस को बहुत सारा प्यार देना, पहले मेरे वीडियोस को लाइक करना। लेकिन मम्मी नीतू को बता रही है ऐसी वाली ड्रेस मंगानी है, तो आप ही मंगा दो मम्मी, वो तो यार नीतू को कहाँ समझे इस बेचारी छोटी सी बच्ची को, है नीतू? वो बात ही बताएगी क्योंकि अभी तो लग गई है, तो अभी से पता नहीं चली, थोड़ी देर में पता चलने वाली कितनी तेज लगी है, तो अभी आ गए है नीतू, उससे पहले निकलना आ गई। पुराने कोई जो जख्म हो वो भी दिखा दे, नीतू पे नाम लगा दे सब, और तू जो नीतू का दिल तोड़ा है ऐसे में लड़ाई लड़ाई में गिरने में बोला बड़ा तकड़ा लगा का ये। हाँ तो इसे पता रहे कि वीडियो में आएगी तो कम से कम बढ़िया सी हो जाए। हाँ शिकायत लेके जाऊंगी तो मैं। चल मैं भी नहा के आ रहा हूँ, ठीक है मम्मी? जल्दी नहाने का इनाम मुझे मिल गया है, मेरे लिए रोज़ की तरह ऑरेंज जूस आ गया है, ऑरेंज घर में थे नहीं, मंगाने पड़े, और जो जूस है इतना खट्टा है कि इसको एक घूट पीते ना मेरे दोनों कान के चक्षु खुल गए। चक्षु बोलते क्या होता है, मतलब ऐसा हुआ जैसे शौक लगा हो यार। नहीं इतना भी नहीं यार, पहले गुड में लगता है, फिर तो नॉर्मल लग रहा है थोड़ा सा। तो दोस्तों आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने भी 3-4 दिन पहले शॉपिंग की थी नीतू के साथ जाके, और मैं पहले गुची की बेल्ट लेकर आया था जो मैंने आप लोगों को भी नहीं देखा क्योंकि अनबॉक्सिंग ही नहीं हुई, और वो बेल्ट मुझे मिली ही नहीं रही क्योंकि यहाँ पर रखी हुई है ऑब्वियसली। अब मैं उसको पहनूंगा और आप बताना कैसी लग रही है। और दूसरी बात ये, हमारा ट्रिप एकदम फाइनल हो गया है कि कल हम लोग सुबह निकल जाएंगे, तो कल से आपको ट्रिप वाले ब्लॉग देखने को मिलेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। भाई वो कहाँ है बेल्ट? कहाँ है नीतू मेरी? नीतू गुची वाली बेल्ट कहाँ है? कहाँ दिखाना। तो यहाँ पे सारा सामान रखा है, नीतू ने LV के शायद स्लीपर लिए थे या शूज़ लिए थे जो भी है, ये है मेरी बेल्ट। वैसे कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई खास तो है नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा जो गोल्डन इसमें लोगो लगा रहा था ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। दिखा दो सी, अभी का पहन के दिखा दो आप, फिर बताना कैसे लगा। लग रही ना क्लासी एकदम? कैसी लग रही है बताना, और पेट पे कोई कमेंट नहीं करेगा। आर यू कॉमेडी? पेट पे कोई कमेंट नहीं करेगा पेट ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, अब तो कम हो रहा है यार, अब मैंने ना बहुत वेट कम करा है अपना बहुत जल्दी जल्दी में। और दोस्तों आपको दिखाता हूँ हमारी टीम का एक बहुत कोर मेंबर, ये जो कि घर में भी कैप लगा के रहता है, अब ये हाँ आज जा रहा है वापस। ये मेरा दोस्त महाराष्ट्र से है, पूना के पास है ना, पुणे यार, हाँ हम पूना भी बोल देते कई बार। तो आज ये जा रहा है, और ये कब आएगा वापस? आप जब बोलोगे तो मत जा, मेरे को जाना पड़ेगा। कब आएगा वापस बता भाई? 5-6 दिन में। 5-6 दिन, अब मैं काउंट करूंगा दिन। वैसे ठीक है यार क्योंकि ये 2 महीने से अपने घर भी नहीं गया। 11 दिन। हाँ 5 और 6 दिन तो 11 हो गए खैर, लेकिन लेकिन छुट्टी बनती है यार, अपने घर पे जा एंजॉय कर भाई, फुल एंजॉय करियो, काम पे दिमाग मत लगाइयो बिल्कुल, ठीक है? मिलेगा ऐसे।
भाई अनिकेत सॉरी यार तेरे को नहीं मिल सकता ऐसे। अनिकेत कौन जाने आने के बाद जाने का कहीं नहीं बैठो इधर अभी क्यों तेरी दो तीन दिन छुट्टी नहीं हुई अभी जब ये गया था उसको कहा नहीं था फुल रिलैक्स कर गया बैठो इधर ही घर पे रुकता कहाँ है तू मैंने भी बोला हुआ है कैची धाम बाबा के पास मुझे भी जाना है तो हम वहाँ तो सब लोग चलेंगे फिलहाल जो हम कल ट्रिप पे जा रहे हैं अनिकेत जा रहा है रिया नहीं जा रही नीतू जा रही है और ये नहीं जा रहा रिया चलना नहीं चलना सही सी बता क्योंकि रिया नीतू की परछाई की तरह साथ साथ रहती है और जो भी ब्रांड कोलैब्स वगैरह आते हैं या जो भी लोग नीतू को रीच आउट करते हैं तो रिया ही नीतू के बिहाफ पे बात करती है अगर आपको कई बार रूड रिप्लाई आते हो तो ये है वो तो दोस्तों आप जिसको देख रहे हो उसका नाम है छाया व्लॉग्स और इसके लिए बहुत बड़ा दिन है कैसा लगा मेरा मजाक बड़ा दिन क्यों है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा अभी छाया क्यों है वो भी मेरे व्लॉग्स में हाँ इसी के व्लॉग में पता चलेगा इसके चैनल पे जाके देखना इसके चैनल का नाम है लखन अर्जुन रावत बहुत सारा प्यार देना यू आर चालाक ब्रो तो आज दो गाड़ी हमारे साथ चल रही है एक ये किया कार्निवल दूसरी हमारी ऑडी मैं और नीतू हम बैठते हैं किया में क्योंकि ये सबसे कंफर्टेबल है यार गाड़ी को इतना टाइम हो गया आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं वो भी प्रोटेक्शन के लिए था जो तूने हटाया है तुम नहीं बोला था तो हटा तो सही इसको भी हटा देना व्हाइट व्हाइट को नहीं उसमें डस्ट नहीं बैठेगी अरे यार हटा तो सही मैंने हटा ही दिया माना नहीं मैं ये रहा दोनों स्क्रीन में फर्क साफ साफ नजर आ रहा है लग गया इसको चाहिए गिम्बल कौन से वाला भाई देखता हूँ अभी ठीक है पूनम दीदी कैमरा आ चुका है तुम्हारा कहाँ है मेरा यही गुड न्यूज थी कि पूनम दीदी का भी कैमरा आ गया तो टाइम आ गया पूनम दीदी के ब्लॉगिंग कैमरे के अनबॉक्सिंग का जो कि आप उन्हीं के जाके चैनल पर देखना पूनम पीबीश नाम से कंटेंट देखना है ना तो जाके देखो कुछ बहुत एक्साइटिंग है उसमें मैंने अपनी भी शॉपिंग कर ली मैं आता हूँ दूसरों को कुछ ना कुछ दिलवाने और पिछली बार माइक लेकर गया था इस बार मैंने लिया है ये DJI का RS3 Pro सॉरी माफ़ कर देना और ये पड़ा मेरे को 1,02,000 का ये गिम्बल है इससे आपको रील्स की क्वालिटी में फ़र्क नज़र आएगा तो आप बताना अगर अच्छी लगे तो पहले डालने देना लेकिन है ना क्योंकि अभी तो जो डल रही है वो सब पुरानी है सुशांत ने अभी यहाँ पर ये बैग लिया है और सुशांत का कहना है कि हमारे सारे सामान और गैजेट्स में आ जाएंगे लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास दो कैमरे हैं बड़े वाले प्लस लेंसेज इतने सारे हैं प्लस हम लैपटॉप का इतना सामान रख के ले आ रहे हैं भगवान जाने कैसे आएगा ये अभी तक जो हम बैग यूज़ कर रहे थे मेरा ट्यूमी वाला था इसमें काफ़ी सामान आ जाता था लेकिन सुशांत का कहना है कि इसमें भी आ गया क्योंकि खासतौर से जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है कि सामान हम जब लेके जाते हैं तो कैमरा आपस में टकराते रहते हैं और हमें डर रहता है कि ऐसा ना उनके लेंस टूट जाए या कुछ भी उनमें ख़राबी आ जाए खुद से ज़्यादा ख्याल हमें कैमरे का रखना पड़ता है तो इसीलिए एक प्रॉपर बैग और बैग भी ट्रॉली वाला है ताकि लोड भी ना पड़े कोई आ रहा है ये हमारे दोनों कैमरा ये आगे इसमें ये FX3 ये सोनी का SLR 3 प्लस तीसरा और ब्लॉगिंग कैमरा मेरे साथ है चौथा ये रहा इनके पास हमने लेंसेज बहुत सारे दिक्कत ये है यार ये हमारे नए गिम्बल की अभी ओपनिंग भी हो गई है ये क्या है बैटरी वो बैटरी अच्छा ये सर गिम्बल आपका ये रहा मेरा गिम्बल आपका तो अभी हम लोग आगे जहाँ पे नीतू हमारा वेट कर रही है ये कैफे डायरीज करके एक जगह और जहाँ से हमने कैमरे वाला काम निपटाया उसके बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर और भाई कितनी ऊपर जाना है अभी वाह नीतू वाह इससे दूर जगह नहीं मिली तेरे को सांस भी भूल गया मेरे तो यहाँ रेडी हो रही है मैं रेडी हो रही हूँ मैं बिल्कुल भाभी बन रही हूँ भाभी छूट है तेरा बस एक नीतू मिठाई खाती बाकी हम सब खाते हैं सॉरी ये जो आप देख रहे हो नीतू नहीं है एक्चुअली मैंने बहुत अपना वेट कम कर लिया इसलिए मुझे खाना पड़ रहा है भूख तो मत बोल सच में लेकिन कुछ भी कहो यहाँ खाना टेस्टी था मैंने सिर्फ दो ही चीज़ खाई है मीठे में और जो उन्होंने खाना मंगाया था उसमें से फ्रेंच फ्राइज खाए थे थोड़े बहुत बस चले और जाके घर पर पैकिंग करें क्योंकि जो हमारी कल की ट्रिप है बहुत अमेजिंग होने वाली बहुत ही मज़ा आने वाला है जाके सबसे पहले पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि मैं एंड मोमेंट में कुछ ना कुछ सामान भूल जाता हूँ वरना रोहित भाई ख्याल रखियो अपना ठीक है आराम से जियो और जल्दी मिलते हैं बहुत जल्दी मिलते हैं मेरे भाई फिर 6 दिन बाद आराम से एंजॉय करियो घर पे सबको मेरा नमस्ते बोलियो वैसे आंटी अंकल मुझे पता है व्लॉग्स देखते हो वन मोर रीजन टू लव दिस कार ये तो देख लेना इसमें आराम से बैठो नेटफ्लिक्स देखते हुए जाओ एक तो सुपर लग्जरी कार यार मतलब अभी तक की बेस्ट कार है ये इन टर्म्स ऑफ लग्जरी इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट क्या कहेगी नहीं तू मानती है नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो कल इसी को लेकर चले ट्रिप पर हम यस तो यहाँ पे मैंने अपना नेटफ्लिक्स लॉग इन कर लिया है जिसमें मैं देखता हूँ मैं नीतू बम्मू और कीर्ति नीतू देख वाओ वाओ यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स देखना
कैसा लग रहा है नीतू? बहुत अच्छा। तो घर आ गए, घर आते मिशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा, जो की है पैकिंग करना ताकि कोई सामान ना भूल। वैसे मैं नहीं भूलता, पता कौन भूलती है? मंदिर नाम ही नहीं लिया। कैसे बैठ के हमारा वेट हो रहा है? कितने स्टाइल में बैठ के वेट करता है हमारा नीटू। नीटू भी आ गई, पापा भी आ गए। लग गए। और यहाँ पे यश है, गुची को लेकर गया उसको वैक्सीन लगवाने। रोया नहीं? रोया नहीं है? नहीं, इसको ट्रीट्स मिली है। अरे वाह, अरे वाह, कहाँ बैठा है डूचू? ये दिख गया मुझे डूची। डूची ये रहा डॉक्टर। लिया। देखिए उदास तो नहीं होगा अभी 2-3 दिन? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं डॉक्टर। मैं पूछ लेता हूँ एक बार। डूची आ गया? देखिए नहीं, ये तो शांत रहता है। अच्छा, पहले वहां जाके पूछनी से हो जाती है। अच्छा, और फिर तुरंत से ट्रीट ला दोगी वहीं? नहीं नहीं, लाए हैं इसके सामने दिए हैं। भाई वाह, ये तो कुत्ता हुआ है रास्ते में। अच्छा, ट्रीट की वजह से? अरे ओ रुक जा, इसके लिए ट्रीट लिया है ना, तो कुत्ता हुआ है यहां आके ट्रीट छीनना सबसे पहले। देख लगा है वैक्सीन, दो वैक्सीन है। हाँ, एक इसकी 31 मार्च की थी। अच्छा, और एक अभी 5 अप्रैल की, दोनों लगा दिया। ओह शिट यार, चल अच्छा है, टाइम पे हो गया। ओके गाइस, तो कल वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले पैकिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद हम जो ट्रिप पे जाएंगे वो तो आप लोग हमारे साथ रहने ही वाले हो वर्चुअली ऑन कैमरा। तो गाइस कल मिलेंगे, प्रे फॉर अस कि अच्छी जर्नी हो, सब कुछ अच्छा अच्छा रहे। बाय बाय, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। कल मिलेंगे, आई लव यू ऑल।